स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिमांड स्केड्यूल एंड डिमांड कर्व इनका मीनिंग और डिमांड स्केड्यूल कैसे प्रिपेयर करते हैं और डिमांड कैसे प्रिपेयर करते हैं सबसे पहले बात आती है स्टूडेंट्स डिमांड स्केड्यूल की इसको ध्यान से सुनेंगे आप डिमांड स्केड्यूल देखिए स्टूडेंट्स डिमांड का मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए कि जो एक कंज्यूमर है एक प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइसेज पे उस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी परचेज करने के लिए रेडी है विलिंग है उसे हम डिमांड बोलते हैं और डिमांड स्केड्यूल क्या हुई एक उस प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइसेज पे जितनी क्वांटिटी वो परचेज करने के रेडी है परचेज करने के लिए रेडी है विलिंग है जब उसको हम टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर दें देखिए डिमांड स्केड्यूल क्या है टेबल के थ्रू यानी टेबुलर फॉर्म टेबुलर फॉर्म प्रेजेंटेशन यानी मान लो एक कंज्यूमर प्रोडक्ट एक्स की डिफरेंट प्राइसेस पे उस प्रोडक्ट एक्स की जो डिफरेंट क्वांटिटीज को डिमांड करने के लिए परचेज करने के लिए रेडी है जब उनको हम एक टेबुलर फॉर्म में एक टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर दें तो उसे हम क्या बोलते हैं डिमांड स्केड्यूल बोलते हैं ये डिमांड स्केड्यूल का मीनिंग है जैसे मैं आपको दिखा भी दूं स्टूडेंट्स ये है हमारा डिमांड स्केड्यूल देखिए प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट एक्स ये टेबुलर फॉर्म होती है ये टेबल फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट करना होता है अब सेकंड नंबर पे आता है हमारा डिमांड कर्व। डिमांड कर्व। कर्व डिमांड क्या है? देखिए वही बात आ गई कि जो कंज्यूमर है डिफरेंट प्राइसेस पे उस प्रोडक्ट की डिफरेंट क्वांटिटीज को परचेज करने के लिए रेडी है और इस चीज को जब हम ग्राफिकली प्रेजेंट कर दें यानी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन तो दैट इज कॉल्ड अ डिमांड कर्व अब मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स डिमांड शेड्यूल हो या डिमांड कर्व हो ये दो टाइप का होता है हमारा फर्स्ट देखिए क्या है डिमांड स्केड्यूल पहले मैं इसको लिख दूं एक बार देखिएगा ये दो टाइप का होगा हमारा नंबर वन इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल नंबर दो इंडिविजुअल डिमांड करो हम स्केड्यूल की बात कर रहे हैं तो ये होगा स्टूडेंट इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड मार्केट डिमांड स्केड्यूल मार्केट डिमांड स्केड्यूल इसका भी मैं मीनिंग आपको बता दूं। इंडिविजुअल में आता है जब हम सिर्फ एक कंज्यूमर की एक कस्टमर की बात कर रहे हैं और मार्केट डिमांड स्केड्यूल आता है जब हम पूरी मार्केट में जितने कंज्यूमर हैं जितने उस प्रोडक्ट के कस्टमर्स हैं वो डिफरेंट प्राइसिस पे कितनी डिफरेंट क्वांटिटीज को परचेज करेंगे वो हम डिमांड स्केड्यूल में देखते हैं मार्केट डिमांड स्केड्यूल को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स नंबर दो पे आता है देखिए हमारा डिमांड कर्व ये था डिमांड स्केड्यूल डिमांड कर्व के कितने टाइप हैं देखिए डिमांड कर्व सेम होगा यहां था देखिए इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल इधर हो जाएगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व इंडिविजुअल डिमांड कर्व और नंबर दो पे मार्केट डिमांड स्केड्यूल के डाटा को जब हम ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो वो हो जाएगा मार्केट डिमांड कर्व मार्केट डिमांड देखिए अभी तक हमने डिमांड का मीनिंग लिया डिमांड स्केड्यूल और डिमांड कर्व का मीनिंग लिया है स्टूडेंट्स इनके टाइप लिए हैं अब इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व मैं सबसे पहले आपको इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल के बारे में बता दूं ध्यान से देखेंगे ये टेबुलर फॉर्म में हमने डाटा लिया है कि जो एक कंज्यूमर है वो प्राइस ऑफ गुड्स एक्स ये रुपीज में दी हुई है देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स जब प्राइट प्राइस एक्स है प्राइस तो टेन रुपीज है प्रोडक्ट एक्स की तो वो कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है फोर्टी क्वांटिटी जब प्राइस बढ़कर ट्वेंटी हो गई है तो क्वाइट जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो घटकर कितनी रह गई है थर्टी यानी प्राइस इंक्रीज हो रही है और जो क्वांटिटी डिमांडेड है ये डिक्रीज होती रही है देखिए जब प्राइस बढ़कर थर्टी हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी रह गई थर्टी से कम होकर ट्वेंटी हो गई और जब प्राइस इंक्रीज होकर फोर्टी हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड और कम हो गई कितनी हो गई टेन हो गई हम जानते हैं स्टूडेंट्स लॉ ऑफ डिमांड भी यही कहता है कि प्राइस और प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है यानी उल्टा संबंध है जैसे जैसे प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती है वैसे वैसे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज होती जाती है और वही वर्षा समझ लें इस बात को जब प्रोडक्ट की प्राइस टेन रुपीज है तो क्वांटिटी कितनी डिमांड हो रही है देखिए फोर्टी प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज होगी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती चली जाएगी इसे बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल यानी एक इंडिविजुअल एक कंज्यूमर प्रोडक्ट एक्स की डिफरेंट प्राइसेस पे उस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटीज को डिमांड कर रहा है इसको हमने टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया है और इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल अब इसी लेक्चर के अगले हिस्से में चलिए डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है स्टूडेंट सब उसको देखिएगा जो एक कंज्यूमर प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइसेस पे उसकी डिफरेंट क्वांटिटीज को डिमांड करता है उसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिया है और जब इन वैल्यूज को हम ग्राफिकली प्रेजेंट कर दें यानी एक कर्व मेन वैल्यूज को प्लॉट करके एक कर्व ड्रॉ कर दें तो उसे बोलते हैं डिमांड कर्व यानी ये जो हमारा है हम ड्रॉ बनाने जा रहे हैं ये हमारा है इंडिविजुअल डिमांड कर्व इंडिविजुअल डिमांड कर देखिए कैसे ध्यान से समझ लें स्टूडेंट्स ओ वाई एक्सिस पर हमने लिया है प्राइस ऑफ गुड्स एक्स ये प्राइस हैं टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी और ओ एक्स ओ एक्स एक्सिस पर हमने लिया है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स एक्स ये क्वांटिटी डिमांडेड है टेन टू नाइनटी अब आप डिमांड स्केड्यूल में देखिए स्टूडेंट सबसे पहले जब प्रोडक्ट की प्राइस टेन है यानी प्राइस टेन है देखिए ध्यान से, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है फोर्टी तो हम यहां क्या करेंगे वैल्यूज प्लॉट कर देंगे। ये आ गई। वैल्यू प्लॉट कर दी हमने क्वांटिटी डिमांडेड इज फोर्टी इसके बाद देखिए जब प्राइस हो गई ट्वेंटी रुपीज तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है थर्टी प्राइस है ट्वेंटी तो क्वांटिटी डिमांडेड इज थर्टी इसको देखिएगा स्टूडेंट्स हमने इस वैल्यू को यहां प्लॉट कर दिया नेक्स्ट देखिएगा थर्ड नंबर पे जब प्राइस इंक्रीज होकर हो गई थर्टी तो क्वांटिटी डिमांडेड है ट्वेंटी थर्टी है और क्वांटिटी ट्वेंटी है तो वैल्यू प्लॉट करेंगे हम एक और देखिए स्केल के साथ भी कर सकते हैं ज्यादा बेटर रहेगा और लास्ट में देखिए स्टूडेंट्स जब प्राइस इंक्रीज होकर हो गई फोर्टी और क्वांटिटी डिमांडेड है टेन देखिए ये प्राइस वाला है ओ वाई एक्स प्राइस है फोर्टी प्राइस इज फोर्टी और क्वांटिटी डिमांडेड इज डिमांडेड इज टेन तो इस वैल्यू को यहां प्लॉट कर दीजिएगा और जब इन्हीं को सब हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा तो वो हमारा कर्व बन जाएगा देखिए इसको हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं सभी जितने भी हमने पॉइंट ड्रॉ किए हैं वैल्यूज प्लॉट की हैं, इन सभी को आपस में मिला दीजिएगा ये हमारा हो गया डिमांड कर्व ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, डिमांड कर्व और इसका नेगेटिव स्लोप होता है यानी डाउनवर्ड होता है ऊपर से नीचे की तरफ विच शोज दैट देर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट याद रखिए हमने ओ वाई एक्सिस पर प्रोडक्ट एक्स की गुड्स एक्स की प्राइस ली है और ओ एक्स एक्सिस पर इसकी क्वांटिटी डिमांडेड ली है और जब डिफरेंट वैल्यूज को हमने प्लॉट कर दिया और उनको आपस में मैच कर दिया एक लाइन ड्रॉ कर दी तो ये क्या बन जाता है हमारा ये हमारा डिमांड कर्व बन जाता है स्टूडेंट्स दिस इज डिमांड कर्व इसका नेगेटिव स्लोप है तो इट वॉज डिमांड स्केड्यूल एंड इट इज अवर इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो शो कर रहा है कि एक इंडिविजुअल या एक कंज्यूमर उस प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइसेस पर उसकी कितनी क्वांटिटीज को डिमांड कर रहा है उनको हमने ग्राफिकली प्रेजेंट किया है और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स मार्केट डिमांड स्केड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व उम्मीद है ये छोटा सा लेक्चर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है डिमांड के लिए डिमांड के कॉन्सेप्ट के लिए आपको क्लियर हुआ होगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए